हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्प्लीन के बारे में। तो स्प्लीन जो होता है वो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ बॉडी होता है, यानी ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। और जो स्प्लीन की जो लेंथ होती है वो होती है 5 इंच, और इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 3 इंच, और इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 1 इंच, और इसका जो वेट होता है वो होता है 7 आउंस। तो आप इसको एक ट्रिक से याद रखते हैं, अगर आप ऑड नंबर लेंगे सारे 1, 3, 5, 7, तो 1 इंच थिकनेस, 3 इंच विड्थ, 5 इंच लेंथ हो गई, और 7 आउंस हो गया इसका वेट, यानी 1, 3, 5, 7 आपको याद रखना है। ये तो हो गया इतना जनरल। अब स्प्लीन के बारे में एक फैक्ट है जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है, जो कि है अबाउट 10% ऑफ पीपल, लगभग 10 लोगों, लगभग 10% पीपल के अंदर जो स्प्लीन होती है वो वन और मोर एसेसरी स्प्लीन भी पाई जाती है। लगभग सभी के अंदर, जो 90% पीपल होते हैं उनके अंदर एक ही स्प्लीन पाई जाती है, लेकिन लगभग 10% पीपल जो होते हैं उनके अंदर जो स्प्लीन होती है वो एक या एक से ज़्यादा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होती है इसके कंपैरिजन में। तो आइए हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। इसका जो सबसे मेजर फंक्शन है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, यानी आरबीसी को किल करता है, जो आपकी रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं उनको किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। और इसका दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है रोल इन इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी में भी रोल प्रोवाइड कराता है।